सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सैमी जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। चलिए आज शुरू करते हैं एक और नया हेयर कट। हेयर कट जो है आज का है फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। ये कट देख के क्लाइंट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है ये कट, तो आज ये कट आप लोग बहुत गौर से देखना। जैसे कि हमेशा कोई भी कट शुरू करता हूँ, कलर शुरू करता हूँ, एनीथिंग, फर्स्ट हम लोग हमेशा बनाते हैं सेक्शंस। तो इस कट में भी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे सेक्शंस। आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला सेक्शन सेंटर प्रोफाइल लिया। सेंटर प्रोफाइल से हम लोगों ने डायगनल बैक बोल सकते हो आप इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा डायगनल नहीं है, लेकिन थोड़ा डायगनल बैक सेक्शंस के साथ साथ हम लोग पूरे सेक्शंस पहले के पहले ही बनाने वाले हैं। तो आप लोग देखना कि कभी भी आप लोग कट करते हो, अगर आप पहले सेक्शंस बना के रखते हो तो सेक्शंस के बाद में आपके लिए कट बहुत इजी हो जाता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत इजी हो जाता है। तो आज भी हम लोग जो कट करने वाले हैं, पहले हम लोगों ने बनाए सेक्शंस। पैरेलली जा रहे हैं बिल्कुल, दोनों साइड सेम, दोनों तरफ हम लोगों ने बना दिए हैं सेक्शंस, और ये बन गए हैं हमारे सेक्शंस। आप लोग बिल्कुल गौर से देख लो कैसे बनाए हैं, पहले प्रोफाइल सेक्शंस और सेंटर प्रोफाइल से लेकर के एंड तक हम लोगों ने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस। बैक साइड पे आप देखोगे तो डायगोनल फॉरवर्ड दिखेगा, रेडियल से आगे आप देखोगे तो डायगोनल बैक नज़र आएगा। तो ये हम लोगों ने पूरे सेक्शंस पहले के पहले बना दिए हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा हेयर कट। अभी सबसे पहले कोम्बिंग, कोम कभी भी करो आप, हमेशा रूट्स के पास से करना है, ऑलवेज रिमेंबर। और यहाँ पे हम लोगों ने डायगनली काटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। सो फॉरवर्ड ग्रेजुएशन का पहला सेक्शन हमारा हो चुका है, गाइडलाइन हम लोगों ने बनाई है। राइट साइड से पहले शुरू कर रहे हैं। मेरी स्टैंडिंग पोजीशन देखो और मेरे होल्डिंग पोजीशन देखो आप लोग, बहुत ज़रूरी है आपका होल्डिंग एंड स्टैंडिंग, उसी से ही आपका काम ईजी होता है। अभी हम लोग कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर, दोनों इक्वल होने चाहिए, हमारा बैलेंस कट आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने राइट साइड से गाइडलाइन लिया लेंथ को लेके। और अभी हम लोग बनाएंगे लेफ्ट साइड पे भी हमारी एक और गाइडलाइन, और उसको भी चेक करेंगे हम लोग साथ साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड आपका लंबा हो गया, एक साइड आपका शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टैंडिंग पोजीशन लेफ्ट साइड में जब कर रहा हूँ तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पे एल्बो ऊपर जा रही है और फिंगर्स का फेस जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, देख रहे हो आप स्टैंडिंग पोजीशन पे। लेकिन राइट साइड पे जब काम कर रहा था तब मेरी स्टैंडिंग पोजीशन बिल्कुल अलग थी और कटिंग की पोजीशन अलग थी। अगेन लेफ्ट साइड पे एल्बो क्लाइंट की साइड और फिंगर्स का फेस जो है वो मेरे साइड। नीचे जो हमारी गाइडलाइन ऑलरेडी बन गई है, बस हमें अभी उसी को फॉलो करना है सेक्शन बाय सेक्शन। सेक्शंस बनाने के बेनिफिट्स देख रहे हो आप लोग, फटाफट काम होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका हेयर वॉश हो, बिल्कुल क्लीन नीट बाल हो, तो और भी फास्ट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, हेयर वॉश करके ही आप लोगों को ये कट, कोई भी कट करना है हमेशा। सो अगेन लेफ्ट साइड पे एक और सेक्शन, गाइडलाइन हमारे पास बनी हुई है, गाइडलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। और आप देख रहे हो फॉरवर्ड का कितना प्यारा फील आ रहा है। नाउ कमिंग ऑन द राइट साइड, सेम वे राइट साइड हम लोग ने लिया। और देखो यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पे फिंगर्स जो है, एल्बो मेरी पास है, मेरी तरफ है, बॉडी की तरफ, और फिंगर्स जो है वो क्लाइंट की तरफ है। जब आप राइट साइड पे काम करोगे तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जब आप लेफ्ट साइड पे काम करते हो तो आप बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन, तभी आपके लिए कंफर्ट जोन होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है होल्डिंग में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगेन गाइडलाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बस गाइडलाइन के ऊपर ही आपको हेयर कट करना है और बिल्कुल इजीली। देख रहे हो आप कितना प्यारा फील आ रहा है। नाउ स्टार्ट विद द ब्लो ड्राई। अभी हम लोग ब्लो ड्राई शुरू करेंगे। ब्लो ड्राई से पहले भी हम लोगों ने सेक्शंस बना लिए थे हमारे सारे, और इसी तरीके से हमें करना है इन टर्न। अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई। जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर गौर से देखें। देखो पहले कभी भी ब्लो ड्राई करते हैं, हमेशा पहला तो आपका जो ब्रश और
आपका जो ड्रायर है, देख रहे हैं, अगर आप राइटी हो तो इसको आपको राइट हैंड पे होल्ड करना है, राइट हैंड पे आपको ब्रश को होल्ड करना है और लेफ्ट हैंड पे आपको होल्ड करना है आपका ड्रायर अगर आप राइटी हो, और अगर आप लेफ्टी हो तो आप इसको अपोजिट करेंगे। कभी भी ब्लो ड्राई शुरू करते हैं, की पॉइंट्स दे रहा हूं, लिख लो। सबसे पहले आपको फोकस करना है रूट्स के ऊपर, ए पार्ट के ऊपर। कभी भी आपको फोकस करना है ए पार्ट के ऊपर, पहले आपको फोकस करना है, फिर उसके बाद बी और सी तक लेके जाना है। आज का जो हमारा ब्लो ड्राई है वो इंटर्न है, जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ बिग राउंड ब्रश यूज कर रहा हूँ, डेनमैन कंपनी का यूज कर रहा हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट ब्रश है ये डेनमैन का, बहुत सालों से यही यूज कर रहा हूँ, हमेशा बच्चों को बोलता हूँ डेनमैन का ब्रश यूज करो, सालों साल चलता है और बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है इसमें। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने क्लाइंट का हेड टिल्ट किया, मतलब आगे की तरफ झुकाया, तो आप देख रहे हो कितना सॉफ्टली किया मैंने। बहुत सारे लोग ना धक्का मारते रहते हैं हेड को, बी वेरी केयरफुल जब आप क्लाइंट के हेड को मूव करते हो, तो आप बहुत सॉफ्टली करोगे, आराम से करोगे, ध्यान से करोगे, बहुत हार्शली नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो आप यहाँ पर भी फोकस करो, सेक्शंस हमारे बने हुए हैं, देख लो कितना इजी हो रहा है हम लोगों के लिए काम करना, सेक्शन बाय सेक्शन काम कर रहे हैं, हेयर वॉश है तो इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कभी भी आपको ब्लो ड्राई करना हो, कट करना हो, पहले आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू कंडीशनर सिरम लगाओ, सिरम लगाने के बाद में फिर आपको करना है हेयर कट एंड ब्लो ड्राई, काम बहुत फास्ट होता है। देख रहे हो आप लोग कितना फास्ट काम हो रहा है, कितना नीट काम हो रहा है, क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और जब आप ब्लो ड्राई करते हो तो ध्यान रखो कि ब्लो ड्राई का ब्लो है, क्योंकि अभी इसमें फुल हीट है, फुल ब्लो है, तो जो आपकी हीट है वो क्लाइंट के हेड पे नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, इसका आपको रखना है पूरा पूरा ध्यान। बिल्कुल ईजीली सबसे पहले हमें करना है रूट्स, पहले करना है रूट्स, रूट्स के बाद में बी एंड सी पे फोकस करना है बिल्कुल धीरे धीरे, और बहुत बड़े बड़े सेक्शंस नहीं लेने। देखो मेरे जितना नोजल है आई एम टेकिंग दैट वे, लेकिन इसमें एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो आप, जैसे मेरा एक सेक्शन हो जाता है ब्लो ड्राई, पूरा शाइन आ जाती है बालों में, तो मैं सारे बाल एक साथ लेता हूँ दोबारा और फिर उसके बाद ब्लो ड्राई करता हूँ। उससे बेनिफिट ये होता है कि सबका फॉल सेम आ जाता है बिल्कुल। तो आपको ये भी एक हैबिट डालनी है कि यू नीड टू होल्ड ऑल द हेयर टुगेदर, इसकी एक हैबिट आपको जनरेट करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं ब्लो ड्राई के टाइम पे सारे बाल फ्रंट पे, मोस्टली मैं ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, आगे खड़ा हूँ क्लाइंट के फ्रंट साइड पे, और उसके बाद फॉरवर्ड के हिसाब से जैसे हमने कट किया था बिल्कुल वैसे ही ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखो, की पॉइंट दे रहा हूँ आप लोगों को, कि जैसा आपका कट है, जिस एंगल पे आपका कट है, उसी तरीके से आपका ब्लो ड्राई होना चाहिए। और इसमें आप देखो अभी टॉप एरिया पे, टॉप एरिया का जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो मैंने ऊपर के पोर्शन को बिल्कुल सेपरेट ही किया हुआ था। आप कभी भी टॉप एरिया पे काम करते हो उसको हमेशा 90 डिग्री पे काम करो या अबव। आप देख रहे हो मैं सारे बालों को फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ, और क्योंकि मुझे बालों को पीछे फॉल कराना है, तो जब आप आगे की साइड में लेते हो बालों को और ड्रायर करते हो और उसके बाद में आप पीछे की साइड में बालों को छोड़ते हो, तो उसमें एक जो बॉडी आती है बालों में वो कमाल की आती है। ये बात को आपको समझना है, टॉप एरिया हमेशा सेपरेट करो। देख रहे हो आप कट मैंने बिल्कुल मर्ज करके काटा था, लेकिन ब्लो ड्राई मैं कर रहा हूँ टॉप एरिया का सेपरेट। ऑलवेज रिमेंबर, ये पोर्शन आपको आगे खड़े होकर ही करना है टॉप एरिया, और ये टॉप एरिया को काम करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आप आगे ही लोगे और उसके बाद जब आप इसका फॉल पीछे कराओगे तो बहुत अच्छी बॉडी आती है, बाउंस आता है। और इंटर्न के लिए देख रहे हो आप लोग, दिस इज द ब्लो ड्राई। आप मुझे बताइएगा कि आज का आपको कट एंड ब्लो ड्राई दोनों कैसे लगे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, देवर आस्किंग, और ये है हमारा फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। इसको शेयर जरूर करना, जितना हो सके स्टाइलिस्ट को शेयर करना, ताकि ये कट और ब्लो ड्राई का उनको बहुत बेनिफिट हो। इसके साथ लेता हूँ इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।